एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े, जिनको कि सिंघम कहा जाता है, और अभी जिस तरीके से उनके ऊपर एक बड़ी खबर और ब्रेकिंग खबर मैं आपको देने वाला हूं कि उनकी कार्यकाल जो है वो घटने वाली है, और उनकी जो कार्यकाल है जिस तरीके से उन्होंने अपने बलबूते पे और अपने टैलेंट पे पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके से मोर्चा निकाला, और जिस तरीके से समीर वानखेड़े की वजह से पूरा बॉलीवुड के ड्रग्स नेक्सस को जो चला रहे थे उन सारे लोगों का खात्मा भी हुआ। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी खबर और ब्रेकिंग खबर जो आ रही है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और दिल को दहलाने वाली। हो सकता है कि समीर वानखेड़े के फैंस जो हैं वो थोड़ा सा नाखुश होंगे, लेकिन अब इन सब चीज़ों में किसका हाथ है ये भी बहुत बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है। आपको बताऊंगा कि अब कितनी अंतिम तारीख तक, कौन से डेट तक एनसीबी के जोनल हेड जो कि समीर वानखेड़े हैं, जिन्होंने ड्रग्स के खिलाफ पूरे देश और दुनिया को जागरूक किया, अब उनकी कार्यकाल जो है वो सरकारी सूत्रों से खबर आई है और निकल करके सामने आया है, जिसमें कि ये साफ तौर पर कहा गया है कि उनकी जो कार्यकाल है वो 31 दिसंबर तक रहेगी, जिसके बाद हो सकता है कि वो अलग डिपार्टमेंट में जाए या फिर उनका तबादला हो जाएगा। लेकिन इसके खिलाफ किस लोगों ने साजिश करी और कौन लोग मिल करके उनकी ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, जिसमें कि एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी बहुत तरह तरह के आरोप समीर वानखेड़े के ऊपर लगाए और ना जाने कितने सारे प्रोपोगंडाएं उनके खिलाफ चलाएंगे। लेकिन तो सोर्सेज से खबरें नहीं है यह कि उनका ट्रांसफर कहां होगा, किस जगह पे होगा, लेकिन जहां होगा वो भी अपने आप को एक अच्छे पदाधिकारी पे आकर के वो पूरे नेक्सस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जितने सारे उन्होंने काम किए हैं उन सारे चीज़ों पर काबिले तारीफ है। हालांकि इन सारे मुद्दों पर, इन सारे बातों पर आप लोग क्या सोचते हैं और आप लोगों की क्या विचार है, इस पर अपनी विचारों पर कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जय हिंद।